फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था हाउ द पीपल्स पार्टिसिपेंट इन अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि लोगों ने किस तरीके से स्वराज का मतलब या सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेशन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने रिच फार्मर्स, पुअर फार्मर्स, इंडस्ट्रियल ओनर्स, वर्कर्स, वुमेन्स, इनके बारे में देखा था। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जिस सोच के साथ, जिस डिजायर के साथ मैंने हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था, हम लोगों की एक सोच थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने की कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ अच्छा करके दिखाएगा, लेकिन इतना ये फेमस रहा नहीं, इतना सक्सेस रहा नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब ये सक्सेस नहीं रहा तो इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनकी वजह से ये सक्सेस नहीं रहा। तो हम उन लिमिटेशंस की तरफ देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्लियर है? तो देखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ मैंने आपको कुछ लिख रखा है, इंडिविजुअल ग्रुप्स, अम्बेडकर, हरिजन, गांधी, ब्राह्मण, ये कुछ लिख रखा है, इसको मैं समझाऊंगा बाद में। पहले इन पॉइंट्स को समझते हैं, जब ये पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे तो मैं इसको समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना? तो ये आराम से आपके समझ में आएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं कांग्रेस मैन व्यूज रिगार्डिंग दलित, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे या जो कांग्रेस के अंदर जो लोग थे, उन लोगों के क्या व्यूज थे दलित को लेकर, दलित लोअर कास्ट के पीपल्स। क्लियर है? तो कांग्रेस मैंस यानी कांग्रेस पार्टी के जो पीपल्स थे, जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके क्या व्यूज थे किन को लेकर, दलितों को लेकर, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बेटा देखिए, कांग्रेस पार्टी वाज अ डोमिनेंट ऑफ ब्राह्मण पार्टी, यानी कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण थे बेटा, ज़्यादातर ब्राह्मण थे। अब जब कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर लोग क्या हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो लोग थोड़ा सा दलितों से अलग रहते थे, वो दलितों को कांग्रेस के अंदर नहीं लेके आना चाहते थे, या फिर वो कह सकते हैं हम लोग कि वो ज़्यादा दलितों के बारे में बात नहीं करते थे, या फिर जो दलित थे उनसे थोड़ा सा अलग रखते थे। क्लियर है? अपने मूवमेंट्स से दलितों को अलग रखते थे। तो मैं यहाँ पर एक आपको लिमिटेशन दिखाई दे रही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चला होगा तो इसमें किसने पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ, दलितों ने। क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि कांग्रेस क्या नहीं करती थी, दलितों को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, वो दलितों को अपने साथ लेना नहीं चाहती थी। क्लियर है? वहीं आप देखिएगा कि दूसरी तरफ गांधी जी के व्यूज़ हैं, गांधी जी के आइडियाज़ हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के लीडर्स के आइडियाज़ हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके आइडियाज़ हैं, दूसरी तरफ गांधी जी के आइडियाज़ हैं। गांधी जी के आइडियाज़ क्या थे दलितों को लेकर, कि गांधी जी दलितों के अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। गांधी जी चाहते थे कि जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं उन मूवमेंट्स में किनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दलितों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उन्होंने दलितों के लिए काम किया, किन्होंने, गांधी जी ने दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। गांधी जी ने दलितों को एक नाम दिया, वो नाम था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है हरि यानी कि भगवान, और जन यानी कि उनके बच्चे, यानी कि गांधी जी का मानना यह था कि ये भगवान के बच्चे हैं और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या किया, गांधी जी ने खुद टॉयलेट वगैरह को भी साफ किया, जिससे कि सोसाइटी के अंदर उन लोगों के अंदर जो उन सोसाइटी के अंदर जो उन लोगों के प्रति जो नेगेटिविटी है वो क्या हो, कम हो, उस चीज़ के लिए गांधी जी ने काफ़ी अधिक मात्रा में काम किया। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कांग्रेस के अंदर ही दो तरीके की व्यूज़ है। एक तरफ तो कांग्रेस के जो अदर लीडर्स हैं, जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, वो क्या है, दलितों से अलग रहना चाहते हैं, दलितों को अपने साथ नहीं रखना चाहते या दलितों को अपने साथ नहीं मिलाना चाहते। दूसरी तरफ कौन है, गांधी जी हैं। गांधी जी का आइडिया ये था कि उनको, उन्होंने कहा था कि हरिजन के अपलिफ्टमेंट के लिए बात की थी। गांधी ने ये कहा था कि अगर हम लोग इस तरीके से जो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम लोग 100 साल तक और मूवमेंट करते रहें तब भी हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते। कब तक? जब तक हम दलितों को अपने साथ नहीं लेकर आएंगे। क्लियर बेटा? तो यहाँ आप देखिए कि दो तरीके के लोग हैं, एक हैं गांधी जी और दूसरे कौन हैं, कांग्रेस मैन। क्लियर है? दलितों को लेकर दोनों की क्या है, सोच अलग अलग है। क्लियर है? अब देखिएगा दलित ने भी क्या किया, दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, दलितों ने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब जब ब्राह्मण, जब कांग्रेस उनको अपने साथ नहीं रखना है तो दलितों ने भी अपनी अलग पार्टी या अलग अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। और ऑर्गेनाइज करके वो किस चीज़ की डिमांड करने लग गए, रिजर्व सीट्स की बात करने लग गए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करने लग गए।
क्लियर है, यानी कि उनको भी क्या मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल राजनीतिक क्या थोड़ी सी शक्ति मिलनी चाहिए, यानी कि वो भी क्या ना करने लगे, इलेक्शंस वगैरह के लिए अप्लाई करने लगे या फिर अपने ग्रुप्स बनाने लग गए, अपनी पार्टीज बनाने लग गए, क्लियर है। तो ये जो चीज़ थी ये ज़्यादातर कहाँ पर, बड़ा महाराष्ट्र नागपुर वाली रीजन में ज़्यादा थी। तो महाराष्ट्र नागपुर वाली रीजन के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया, उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर दलितों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो देखिए यहाँ जो मैंने आपको लिखा है, जब आप लिमिटेशंस की बात करेंगे, किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस का क्वेश्चन आएगा, तो आपके दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, एक कास्ट और एक रिलीजन। अब जो लिमिटेशन लिखेंगे वो दो बेसिस पर लिखेंगे, एक कास्ट के बेसिस पर, एक रिलीजन के बेसिस पर। अब कास्ट में दो चीज़ें हैं, एक इंडिविजुअल दो व्यक्तियों के बीच में और एक ग्रुप, ऐसे ही सेम रिलीजन में भी इंडिविजुअल व्यक्ति के बीच में और ग्रुप के बीच में। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि यहाँ पर जो लिमिटेशन थी वो किन की वजह से थी, हरिजन और ब्राह्मण्स की वजह से, हरिजन और ब्राह्मण्स की वजह से लिमिटेशंस थी कि हरिजन्स ने या दलित्स ने क्या नहीं किया, पार्टिसिपेशन नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये क्या रहा, एक लिमिटेशन रही किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया ग्रुप के बेसिस पर, इंडिविजुअल बेसिस पर देखते हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पर क्या प्रॉब्लम थी, देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दलितों को एक साथ लेकर एक क्लास बना दी, एक पार्टी बना दी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, एक एसोसिएशन बना दी, और उस एसोसिएशन का नाम क्या था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और इस डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को बनाकर इन्होंने डिमांड की किनसे, ब्रिटिशर्स से, टू डिमांडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने डिमांड की किसकी, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है वो समझिए बेटा, जैसे मान के चलते हैं ये कोई कंट्री है, अब इस कंट्री के अंदर ये क्या है, ये कोई कंटीजेंसी है, क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि इस कंटीजेंसी से सिर्फ जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो कौन लड़ा जाएगा, वो सिर्फ दलितों के द्वारा लड़ा जाएगा, और उनको वोट कौन करेगा, सिर्फ दलित ही करेंगे, यानी कि दलितों को ये वोटिंग अलग होगी, क्लियर है। इस तरीके की डिमांड किसने की, भीमराव अम्बेडकर ने की, यानी कि सेम एज अ वे, जब मैं अलग से अपनी डिमांड, अपनी अलग से मैं अपनी इलेक्शंस करा रहा हूँ, अपनी अलग से मैं वोटिंग कर रहा हूँ, तो इट्स मीन्स मैं कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान को अलग किया गया था तो पाकिस्तान के अंदर भी क्या था, पाकिस्तान के सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया था। सेम एज अ वे डिप्रेस क्लास ने भी क्या किया, अलग अपने लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। अब जैसे ही गांधी जी को ये पता चला कि जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है या जो दलित हैं, ये दलित क्या मांग रहे हैं, अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं, तुरंत गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो गए। अच्छा, गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ क्यों खड़े हुए बेटा, क्योंकि गांधी जी इसलिए इस चीज़ के खिलाफ खड़े हुए कि गांधी जी जानते थे कि अगर ये दलित हमसे अलग हो गए या दलित अलग हो गए तो देश के अंदर डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा, और जब डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा तो देश कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा, क्लियर बेटा। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी ने तभी तुरंत कह दिया कि मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के खिलाफ फास्ट रखूँगा, और अंटिल टू द डेथ, गांधी जी फास्ट अंटिल टू द डेथ। गांधी जी ने तुरंत क्या कर दिया, फास्ट रख लिया, व्रत रख लिया, और भूख हड़ताल पर बैठ गए गांधी जी, और गांधी जी ने क्या कहा कि मैं कब तक भूख हड़ताल करूँगा, अपनी मृत्यु तक, क्लियर है। क्योंकि क्यों, क्योंकि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन क्या कर रही है, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रही है, इसलिए। तब क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे एक तरफ, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, दूसरी तरफ कौन थे, गांधी जी थे। भीमराव अम्बेडकर क्या मांग रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं, गांधी जी मना कर रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेना चाहिए इनको, क्लियर है। तो क्या होता है, इनमें एक समझौता होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में और गांधी जी के बीच में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से गांधी जी क्या करेंगे, फास्ट रखेंगे, और अगर बाई चांस कुछ हो गया गांधी जी को तो दिक्कत और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी देश के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांधी जी के साथ में एक पैक्ट किया, और उसी पैक्ट को, एक समझौता किया, और उसी पैक्ट को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट। क्या बोला जाता है बड़ा, पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट कब हुआ, सितंबर 1932 में, 1932 में, सितंबर 1932 में। और इसमें क्या कहा गया, इस पैक्ट में क्या किया, कहा गया कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, यानी कि दलित भीमराव अम्बेडकर ने कह दिया कि ठीक है, हम लोग किस चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इट गेव अ रिजर्व सीट टू दलित, लेकिन इस कंटीजेंसी के लिए हमें रिजर्व सीट चाहिएंगी, हमें हर जगह से क्या चाहिए, कुछ रिजर्व सीट चाहिएंगी, क्लियर है। तो यहाँ से एक रिजर्व सीट यहाँ पर दी गई, क्लियर बेटा। तो आप देखिए, इंडिविजुअल किस किस के बीच में था, अम्बेडकर और दलित के बीच में था, क्लियर है। जो लिमिटेशंस हुई वो किन के बीच में से हुई, अम्बेडकर और दलित, गांधी जी, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, अब
अब देखते हैं रिलीजियस बेसिस पर क्या लिमिटेशन थी। तो बेटा इस समय पर क्या हुआ था, बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हो गई थी और उन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, अपने रिलीजियस के बारे में बात करती थी, जिसकी वजह से कई बार इन रिलीजियस बेसिस पर भी क्या हो जाते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे इन लोगों के बीच में। क्लियर है। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बन गई, कौन कौन सी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनी, हिंदू महासभा बनी और मुस्लिम लीग बनी। तो एक तरफ से हम हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा किस चीज़ के बारे में करती थी, बात करती थी अपने हिंदूज के बारे में। दूसरी कौन थी, मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग किसके बारे में बात करती थी, मुस्लिम्स को लेकर। तो इस दोनों से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर था, जो पूरा देश था, वो कैसा सस्पेंशन एंड डिस्ट्रेस हो गया था, यानी कि थोड़ा सा डिस्ट्रेस आ गया था पूरे देश के अंदर। लोग क्या थे, हिंदू मुस्लिम्स पर आकर आपस में झगड़ जाते थे। क्लियर। तो इस तरीके से अब देखिए, अगर मुस्लिम लीग के ये तो मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने भी क्या नहीं किया, सिविल डिसोबिडेंस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो ये भी क्या एक क्या है, लिमिटेशन है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट की। तो मैंने वही लिखा है ग्रुप में, मुस्लिम्स एंड हिंदूज के बीच में। क्लियर है। अब इंडिविजुअल बेसिस पर देखते हैं तो दो व्यक्ति थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक था एम आर जयकर। जी समझते हैं क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। किन के लिए, मुस्लिम्स के लिए, वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। और जो कांग्रेस के पीपल्स थे वो इस डिमांड को खत्म करने में लगे हुए थे, वो इसको कम कराने में लगे हुए थे कि नहीं आपको ये डिमांड नहीं करनी चाहिए, आपको रिजर्व सीट मिल जाएंगी। वही वाली बात बेटा, दलित वाली। क्लियर है कि आपको भी रिजर्व सीट दे दी जाएंगी, लेकिन आप अलग से अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मत कीजिए। क्यों, क्योंकि गांधी जी वगैरह जो कांग्रेस के लीडर जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देश के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, और वो नहीं चाहते थे, वो मुस्लिम्स को भी अपने साथ रखना चाहते थे। इसलिए वो लोग क्या कह रहे थे कि नहीं आपको क्या नहीं करना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं डिमांड करनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए क्या हो रहे थे, नेगोलेशन ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे थे कि कह रहे थे कि आप रिजर्व सीट ले लो, आप ये मत लो, आप रिजर्व सीट ले लो। क्लियर है। इस तरीके का माहौल चल रहा था, तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति आए एम आर जयकर कौन थे, एम आर जयकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। आगे चल के क्या हुआ, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने एम आर जयकर। जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोला ना हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं और ना ही हम इनको कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे, कोई रिजर्व सीट देंगे। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, फेल हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे हिंदू मुस्लिम्स को लेकर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ लिमिटेशन थी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के अंदर। तो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के अंदर जब भी लिमिटेशन पूछेगा तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक कास्ट के बेसिस पर लिमिटेशन बताएंगे, आप रिलीजन के बेसिस पर बताएंगे। कास्ट के बेसिस पर आप दो तरीके से बताएंगे कि इंडिविजुअल अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, और ग्रुप्स में दलित और ब्राह्मण्स के बीच में। रिलीजियस बेसिस पर बताएंगे आप तो मोहम्मद अली जिन्ना और एम आर जयकर, और मुस्लिम्स के, और जब ग्रुप के बेसिस पर बनाएंगे तो मुस्लिम और हिंदू। तो ये क्या था, लिमिटेशन थी किसकी, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट की। यहाँ हमारा ये चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक वीडियो आएगी जिसके जो आपको द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में बताएगी। क्लियर है। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।